उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने छठ पर्व के समस्त अनुष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील भी की। सीएम योगी ने कहा कि छठ पर्व लोक आस्था का एक प्रमुख पर्व है। इस पर्व में आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से आस्थाचल और उदयमान भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। हमारे देश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की समृद्ध परंपरा व संस्कृति है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवान सूर्य की आराधना के महापर्व छठ की सभी प्रदेशवासियों व श्रद्धालुओं को हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाएं हैं। सामाजिक समरसता का प्रतीक यह अलौकिक अनुष्ठान मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है। प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के पर्व पर छठी मैया से विश्व कल्याण की प्रार्थना है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और छठ पूजा के इस पावन आयोजन में यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, लोक आस्था के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ। एक कठिन व्रत है, अलग अलग चरणों में जिसे संपन्न किया जाता है, लेकिन भोजपुरी समाज देश में, दुनिया में जहां कहीं भी है, पूरी आस्था के साथ सूर्य उपासना के इस लोक आस्था के पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह, बड़े उमंग के साथ इस आयोजन को आयोजित करता है। मुझे लखनऊ में पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम को बहुत नजदीक से देखने, जानने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, पिछला 19 महीनों का समय है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण रहा है। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया त्रस्त हुई है। उसने न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि आस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। अभी भी आप देख रहे होंगे, अमेरिका में, यूके में, रूस और चीन में कोरोना के मामले में बहुत वृद्धि हुई है, काफी बढ़ोतरी है। लेकिन भारत में आप सबकी आस्था के सामने कोरोना पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब कोरोना को प्रभावी नियंत्रण में लाया गया है, तब हमें यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि हम लोग लोक आस्था के इस पर्व पर एकत्र होकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और उमंग के साथ आज सायंकाल आप सब ने, यहां पर माताओं बहनों ने अस्तांचल सूर्य को अपना अर्घ दिया है। कल ब्रह्म मुहूर्त में आकर के सूर्योदय के साथ अर्घ देकर के अपने व्रत को संपन्न करेंगे। कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आस्था है और इस आस्था में ताकत भी है। यही आस्था भारत की ताकत है और उस आस्था को सम्मान देना यह किसी भी समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा, जहां जहां भी छठ के आयोजन होते हैं, सूर्य षष्ठी के अवसर पर वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन अवकाश घोषित करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सबको इसका लाभ प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अपना एक अलग आनंद है और लोक आस्था से जुड़े हुए पर्व इस रूप में ये केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न नहीं है, प्रकृति और परमात्मा से जुड़ने का भी एक माध्यम हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। और प्रकृति के साथ अगर ये पर्यावरण शुद्ध रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हम सब भी अपने पर्व और त्योहारों को उसी श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ
मनाने में भी सफल होंगे। याद रखना, चाहे वह नदी हो, तालाब हो, कोई सरोवर हो, इन सब के संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। आप देखते होंगे कि अर्घ देते समय माताएं बहनें जल में खड़ी होकर के उस समय ये नहीं देखती कि कितनी ठंडी है। अभी तो फिर भी मौसम ठीक है, लेकिन बहुत बार जब ठंडी ज्यादा होती है तब भी, या जिन क्षेत्रों में ठंड ज्यादा हो रही पड़ रही होगी, भोजपुरी समाज के लोग वहां पर बड़ी आस्था के साथ उसमें भी ठंड की प्रवाह के बगैर वहां पर खड़े होकर के अस्तांचल सूर्य को या उदय सूर्योदय के समय कल अर्घ देने का कार्य भी करेंगे। काफी देर तक उन्हें वहां खड़ा होना पड़ता है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित रहेंगी तो स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव उनकी आस्था पर भी पड़ेगा। ये पर्व और त्योहार हमें संकल्प के साथ जोड़ने की एक प्रेरणा भी है कि हम प्रकृति को बचाने के इस अभियान के साथ अपने त्योहारों को जोड़ें, अपने आयोजनों को जोड़ें। एक बहुत महत्वपूर्ण आयोजन होगा और मुझे लगता है कि इसका लाभ हम सबको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए प्रकृति पूजन के साथ हम अपनी लोक आस्था के इन पर्वों को जोड़ पाएंगे तो न केवल वर्तमान के लिए बल्कि अपने आने वाले भविष्य के लिए भी हम एक बेहतर अवसर दे पाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको, छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उत्साह और उमंग बनल रहे, परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाले माता और बहन लोगों के मेरी तरफ से विशेष मंगल कामना, आप सबको सूर्य षष्ठी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।